नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑफ प्लांट। हमने पहले जो प्रोपगेशन देखी थी वो थी नेचुरल, ठीक है, जिसमें आपके पास नेचुरल रिप्रोडक्शन थ्रू लीव्स, थ्रू स्टेम, थ्रू रूट्स थी। अब आर्टिफिशियल के जो इंसान खुद करके, ठीक है, पौधे के जो पार्ट्स को यूज करके, वट एवर लीव्स को, स्टेम को, रूट्स को यूज करके आर्टिफिशियली एक नई कॉलोनी बनाता है, उसको आप आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। मतलब ह्यूमंस डिफरेंट मेथड्स को यूज करके प्लांट्स के ऊपर, ठीक है, नए ऑर्गेनिजम्स की प्रोडक्शन को कैरी करेगा, उसको आप आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। सबसे पहली जो आपके पास उसमें आती है वो है आपके पास कटिंग और ग्राफ्टिंग, जो मेजर ज्यादातर इंसान के खुद करदा जो है काम है, जिनसे आप पौधे की अच्छी वैरायटीज के जो प्लांट्स हैं उनको लगा सकते हैं। जैसे कि कटिंग है, आपने देखा होगा कुछ प्लांट्स हैं जिनका जो है स्टेम, रूट्स जो होती हैं उनको क्या किया जाता है, इज एबल टू मेक अ होल प्लांट। ये उनके अंदर एक एबिलिटी होती है कि उनसे एक नया पूरा का पूरा पौधा लग जाता है। वी कैन कट सच पीसेस ऑफ स्टेम और रूट फ्रॉम अ प्लांट एंड यूज देम टू ग्रो न्यू प्लांट। हम क्या करते हैं, उस प्लांट, जिन प्लांट के अंदर ये खासियत होती है, उनकी रूट्स और स्टेम्स को काट के जमीन के अंदर लगाते हैं और जिससे नया पौधा खुद ब खुद लग जाता है, ठीक है। सच पीसेज ऑफ स्टेम आर रूट आर कॉल्ड कटिंग्स। जो हमने काट करके जमीन के अंदर वो लगाई है, ठीक है, उनको आप कटिंग्स बोलोगे। इन अ कन्वीनियंट एंड इन एक्सपेंसिव मेथड ऑफ प्रोपगेशन, ये आपके पास आसानी से और ज्यादा महंगा भी जो मेथड नहीं है। स्टेम कटिंग आर यूज फॉर द प्रोपगेशन ऑफ प्लांट। जैसे कि स्टेम कटिंग्स किसकी लगती हैं, ग्रेप्स वाइन की, रोज की एंड क्राइसेंथिमम्स वगैरह, ये ऐसे कुछ पौधे हैं। क्राइसेंथिमम उसको कहते हैं, वो नहीं होते जो आपके पास मैरी गोल्ड के, जो क्राइसेंथिमम्स की, वो क्राइसेंथिमम वो पिंक पिंक कलर के इसके फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, वो गेंदे के फूल की तरह उसी के फैमिली के मेम्बर्स हैं, ठीक है। तो उसके भी आपके पास जो है जो स्टेम है उसको लगाया जाएगा तो उससे आपके पास पौधा लग जाता है। रोज की भी कटिंग हम लगाते हैं, स्टेम कटिंग, और जो आपके पास अंगूर होता है उसकी भी स्टेम कटिंग लगती है, ठीक है। इसके साथ साथ सिमिलर प्लांट लाइक जैसे स्वीट पोटैटो एंड ब्लैक बेरीज आर ग्रोन बाय द यूजिंग रूट कटिंग, ठीक है। रूट कटिंग स्किन की लगाई जाती है स्वीट पोटैटोस की, या जो आपके पास ब्लैक बेरीज जो होती है, ठीक है, उनकी जो है रूट्स लगती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है टॉपिक ग्राफ्टिंग, जिसको आप यमनकारी भी कहते हो। ग्राफ्टिंग इज द मेथड यूज टू गेट बेटर क्वालिटी एंड क्वालिटी ऑफ द फ्रूट, ठीक है, क्वांटिटी या क्वालिटी बेटर लेने के लिए। बिलफर्ज एक एग्जांपल मैं लेती हूँ, आपके पास माल्टा है, ठीक है, एक माल्टा है उसके ऊपर जो ऑरेंजेस हैं वो बहुत ही ज्यादा मीठे लगते हैं, जबकि दूसरा जो माल्टा है उसके ऊपर खट्टे लगते हैं। तो क्या किया जाएगा, मीठे वाले की कटिंग लेके, ठीक है, उसका भी एक तरीका होता है उसको प्रॉपर कट करने का भी। मीठे वाले की स्टेम को आप काट रहे हो, स्टेम की कटिंग को लेके, ठीक है, जो खट्टा वाला माल्टा है उसके स्टेम के ऊपर प्लेस करोगे। अब ऊपर से फिर उसको मट्टी लगा के ऊपर से प्रॉपर उसको कवर किया जाता है, फिर उस कटिंग को पानी दिया जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है, जब उससे नई जो आपके पास टहनियां निकलती हैं, जो नई ब्रांचेस निकलती हैं, वो जो नई ब्रांचेस निकलेंगी वो आपके पास मीठे वाले की निकलेंगी। तो आप किसी भी प्लांट की बेटर क्वालिटी या उसकी क्वांटिटी जो उसके फ्रूट की है उसको एनहेंस करने के लिए ग्राफ्टिंग हम करते हैं, ठीक है। इन ग्राफ्टिंग द ब्रांच ऑफ अ डिजायर्ड वैरायटी ऑफ प्लांट इज अटैच्ड ऑन द स्टेम ऑफ एन ऑर्डिनरी प्लांट, ठीक है। जो हमारी डिजायर, जो हमारी ख्वाहिश के मुताबिक जो प्लांट होता है उसकी हम ब्रांच को कट करते हैं और ऑर्डिनरी प्लांट के ऊपर उसको ग्राफ्ट कर देते हैं। द ग्राफ्टेड ब्रांच ग्रो एंड बी ए फ्रूट ऑफ द बेटर क्वालिटी। बाकी पौधे की जो ब्रांचेस होंगी वो तो अपने ही जो उसका जो पहले का उसका फ्रूट लगता था वही लगाएगी, लेकिन अगर जो ग्राफ्टेड ब्रांच होगी, जो ग्राफ्टिंग आपने अच्छे से की, तो एक अच्छी ग्राफ्टिंग हुई और जिसके रिजल्ट में न्यू आपके पास ब्रांचेस निकली, तो उसकी उन ब्रांचेस के ऊपर जो फ्रूट लगेगा वो बेटर क्वालिटी का लगेगा जो जिस पौधे से आपने वो ब्रांच उठाई होती है। दिस मेथड इज यूज टू प्रोपगेट ऑलमोस्ट ऑल फ्रूट ट्रीज। ये फ्रूट्स ट्रीज के ऊपर की जाती है ज्यादातर, आलमंड, प्लम, चेरीज वगैरह के लिए, एंड मैनी ऑर्नामेंटल प्लांट, या कुछ जो आपके पास खूबसूरती के लिए प्लांट्स होते हैं उनके लिए भी ये
ग्राफ्टिंग की जाती है, ठीक है। इसके साथ ही आपके पास आर्टिफिशियल मीन के थ्रू जो प्रोपगेशन होती है उसकी एक और भी आपके पास टाइप है जिसको कहते हैं क्लोनिंग। क्लोनिंग का मतलब होता है सेम बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपीज बनाना, ठीक है। क्लोनिंग इज अ टेक्निक ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच अ पॉपुलेशन ऑफ जीनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल इज प्रोड्यूस फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट सेल। एक सिंगल पेरेंट से सेम हूबहू जैसा पेरेंट था वैसा ही आपके पास जो है पॉपुलेशन बनाना, आपके पास क्या होती है, क्लोनिंग होती है। अब क्लोनिंग यूजिंग टिश्यू आर द सेल ऑफ पेरेंट, किसी भी पेरेंट के टिश्यूज या उसके सेल को उठा के लैब के अंदर एक वैसा ही ऑर्गेनिज्म बनाना, उसको आप क्लोनिंग कहते हो। क्लोनिंग इज यूज फॉर मेकिंग आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ यूजफुल प्लांट, मतलब जो प्लांट्स अच्छे वैरायटी के होते हैं उनकी कॉपीज बनाने के लिए ये यूजफुल है। दिस इज वेरी हेल्पफुल इन द हॉर्टिकल्चर वेयर वी वॉन्ट टू प्रिजर्व द क्वालिटी ऑफ द यील्ड। क्लोनिंग ऑल्सो हेल्प अस टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल आउटपुट, ठीक है। लाइक देखिए, इन्होंने आपके पास डायग्राम के अंदर क्लोनिंग ऑफ प्लांट आपके पास इन्होंने शो किया हुआ है। आपने लिया टिश्यू पीस फ्रॉम अ पेरेंट सेल, आपने एक टिश्यू का पीस ले लिया, ठीक है, जिसको आपने उन्होंने क्या किया, टिश्यू प्लेस्ड इन अ सूटेबल मीडियम, मीडियम के अंदर डाला। मीडियम के बाद क्या हुआ, टिश्यू डेवलप्ड इनटू अ स्मॉल प्लांट, छोटे छोटे लगे, और छोटे छोटे लगने के बाद ये पूरा एक इनको न्यू प्लांट सोन टू ग्रो। अब इनको जमीन के अंदर डाल दिया गया, जमीन के अंदर सोक किया गया, ताकि सोन करने के बाद ये हर एक से, हर एक जो सेल बन रहे हैं अब, हर एक सेल से एक नया प्लांट की जो पूरी बॉडी है वो बन जाए, ठीक है।